हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैंने बोला कैसे सो आज सुबह बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज मेरा फिफ्थ क्लास का पहला डे है। मेरी फिफ्थ क्लास के अंदर नए सेशन के अंदर सब मैं पहला डे है दोस्तों। अभी मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ और मतलब हमें जल्दी से ही जाना है अपने स्कूल में। मतलब मैं आज मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हूँ, एकदम करेक्ट टाइम पर उठा उस टाइम उठना था क्योंकि नए स्कूल के एक्साइटमेंट में ना मैं जल्दी उठ गया आज, है ना। तो वैसे भी हमारे जो कॉन्टैक्ट है, मतलब जैसे कि हमने कोई बस नहीं लगाई स्कूल बस, हमने एक वैन लगाई है। मतलब हमने वैन लगाई थी, एक भैया का नंबर हमने लिया था पहले ही, नान जी ने ले लिया था ना स्कूल से कि इनका केस अगर फिफ्थ क्लास का ऑफलाइन हुआ तो उसके लिए नान जी ने एडवांस ही ले लिया था, और बाकी अगर नहीं होता तो फिर कर ही लेते, बाद में कर लेते, है ना। सो अभी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। बस जैसे ही मेरा लंच पैक हो जाएगा, लंच में वैसे आज मेरे फेवरेट आलू के परांठे बने हैं, और आज मेरी मर्जी थी इसलिए मेरे फेवरेट आलू के परांठे बने हैं। मतलब आज मेरी मर्जी थी इसलिए नहीं, सॉरी, क्योंकि आज मैं फर्स्ट डे, इसलिए मेरी मर्जी थी इसलिए बनाए गए आलू के परांठे। और फ्रूट में मेरा रहेगा क्या कहते हैं ऑरेंज, फ्रूट में मेरा ऑरेंज रहेगा, है ना। तो स्कूल से आने के बाद मिलते हैं। सो मैं अभी स्कूल से आ गया हूँ। सो मतलब आज तो ना स्कूल में बहुत ज़्यादा मस्ती हुई थी और आज लाइव प्रोग्राम था, और कोई भी अगर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो वो जानते होगा लाइव प्रोग्राम को। उसमें उस लाइव प्रोग्राम में यही था कि उसमें बस हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर माननीय है ना पीएम मोदी जी, वो परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे, और कई सारे स्टेट्स के जो स्कूल्स हैं उनके जो स्टूडेंट थे वो कई सारे उन्होंने उनसे क्वेश्चंस पूछे थे कि डिप्रेशन में चला जाता है ना, बहुत से पूछते। तो हम तो हमारा काम था उसे सुनना बस, और हमने कोई प्रश्न नहीं पूछे ना हमें ऑफर है तो हमने पूछा, है ना। तो मतलब अभी तो उसमें ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था उसमें। सो फ्रेंड्स, अभी मैं ना बहुत ही ज़्यादा शुक्र हूँ, स्कूल में ना बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ रखी थी। सो वैसे भी आज मेरे कुछ ज़्यादा पीरियड तो हुए ही नहीं, बस मेरा हुआ था इंग्लिश का और दूसरा पीरियड भी इंग्लिश का। मतलब एक दो पीरियड हुए, बस दो ही पीरियड हुए, और पहला पीरियड होगा सबसे स्टार्टिंग में इंग्लिश का, हमारी केशव सर ने कर दिया। उसके बाद कोई पूरा पूरे दिन खाली बैठ रहे, उसके बाद आए केशव सर, दोबारा इंग्लिश पढ़ाई और दोबारा चले गए। सो वो तो उस लाइव प्रोग्राम की तैयारी कर रहे होंगे, सारे टीचर से चले गए होंगे। मेरे को तो ये लगता है भाई साहब कुछ और भी मीटिंग वगैरह चल रही होगी उनके बीच में फिफ्थ क्लास के बारे में, यानी हमारे क्लास के बारे में। बाकी तो बहुत ज़्यादा टेंशन होगा उन्हें, हम हमारे से ज़्यादा ही थके होंगे वो, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, उन्होंने तो बहुत ही मेहनत करी होगी ना, है ना। तो अभी तो अपन अभी मैं ना बहुत ही ज़्यादा सीख चुका हूँ, तो ना अभी लंच तो कर लिया है मैंने, और फिर थोड़ी देर सो जाता हूँ, और फिर उसके बाद मैं उठ के अपना जो भी जो काम कराया स्कूल में वो अपने रफ नोटबुक में लिख लूँगा, ये मेरा होमवर्क है, और पोएम याद कर लूँगा जो मेरे को याद करनी थी। अभी मैं उठ चुका हूँ, और मैंने अपने जो स्नैक्स है ना शाम के वो भी खा लिए हैं, स्नैक्स भी मैंने, है ना। तो अभी मम्मी तो कुछ कर रही थी, मम्मी आप एक कवर चला दिया नोटबुक से, तो मम्मी ने अभी सारे नोटबुक कवर चलाए। ये मैथ की हो गई मेरी, ये मेरी ईवीएस हो गई, ये मेरी इंग्लिश हो गई, तो और हिंदी की तो मम्मी अभी चढ़ा ही रही है। मम्मी ये वाला कर रही, मेरा ये वाला होगा, ये वाला सेम कलर है पर ये वाला लगाओ, हाँ ये इतना बड़ा हो है, एक्सेल साइज से ज्यादा ही है, दोनों साइज से ना ज्यादा बड़ा कवर हो गया था, ऐसे करता बोतल भी नहीं, पता भी नहीं था, ओ भाई मेरे को पता भी नहीं था ये मेरी वाटर बॉटल नहीं, क्योंकि जो अभी मैं बोतल जाता था ना यार वो बहुत, उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा था, और मेरे को बार बार स्कूल से पानी भरना पड़ा था इसलिए। तो हमने ना मम्मी ही वाली एक नई बोतल लाई थी वाटर बॉटल, पर हमें पता चला कि उसका और इसका सेम ही है, और उसमें तो बस उसमें एक उसके ना थोड़ा सा पानी बच भी रहा है। मम्मी आपने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी, इसमें थोड़ा, ये दोनों बराबर है, मुझे वैसे लगा ये 600 ml की है, और मम्मी तो ना गलती से 600 liter बोल रही है। अब लो 600 liter, वो देखो अब लोग अपने वहां पे बैठे बैठे कुछ कर रही है, खेल रही है, क्या कर रहे हो बताओ तो गाइस को। और स्कूल पे हिले जा रही है ऐसे कर रही है, जब बड़े हो जाओगे तो आपको कवर खुद ही लगाने हैं भाई। अच्छा, और अभी ना हम लोगों ने ना अपनों का जो बाल था उसकी सेटिंग भी करा ली थी।
ये देखो अपनों के बालों की हमने ना अभी सेटिंग भी करा दी थी आज, अपनों ने कहा ना इसके बाल के भी सेटिंग में करा दी। कैसा लग रहा है आपको बाल अपने? अच्छा, बहुत अच्छा। आपको बाल में सेटिंग कराना अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है। और ऐसे भी मैंने भी अपनी कटिंग करा ली थी। ये देखो मजा आ रहा है। इसको कल बदला के लाएंगे। अच्छा क्या हुआ नानी? ये बोतल थोड़ी आगे छोटी तो सर चेंज कराओगे ना? इसको करेंगे चेंज। अच्छा थोड़ी बड़ी बोतल मंगवाएंगे इससे। अच्छा मम्मी कह रहे थे कि वहाँ पे ना 900 लीटर वाली भी एक बोतल थी। 900 लीटर नहीं, सॉरी हाँ 900 मिलीलीटर। यार मैं भी मम्मी की तरह कंफ्यूज हो गया। अब मैं जान गया हम कंफ्यूज कैसे होते हैं। लीटर है मेरे लीटर। अब लोग को करते हैं एंड अब सो जाते हैं सुबह उठना जल्दी। ओ हाँ यार नन जी थैंक यू बताने के लिए, तो भूल ही गया था मैं, तो ब्लॉग में घुस गया। अब ना आपको पहले ये बताओ, आप ना आज कल अब ये बताओ कि आपको कब कहाँ जाना अच्छा लगता है ज्यादा? मुझे स्कूल स्कूल जाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और आपको सबसे अच्छा करना क्या लगता है? स्कूल में जाना। अरे स्कूल में जाके आपको सबसे अच्छा काम क्या अच्छा क्या लगता है? पढ़ना। जो छुट्टी एक नंबर की छुट्टी है तो सुबह से शाम सब कहते हैं आप लोग पढ़ ले तो एक बार मिल पड़ती है ना नाना जी? एक बार नहीं पड़ती है ना मम्मी? सब और इतना झूठ तो इतना बोल देगी कि सोच नहीं सकते है ना। अब ना झूठ तो आपको बोलना पड़ता है, उसके बिना आपका काम नहीं चलता। हाँ, और मैं इस कैमरा को बंद कर सकती हूँ। करके दिखाओ कैमरा को बंद। ओ भाई कैमरा पे हाथ मार रही है। कर दूंगी पक्का। लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। सो भाई अभी ना मैं अपनी आंखें पूछी उसमें स्टेपलर लगाता हूँ, ये स्टेपलर उसमें ना स्टेपलर से पेन लगा दूंगा और फिर हम जाएंगे ऊपर। जो भी अब मेरा व्लॉग में जो भी बातें बची है मेरे स्कूल की बातें जो करनी है वो मैं आपको ऊपर शेयर कर दूंगा। तो प्लीज स्कूल की बातें जाना तो प्लीज मेरे को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सो अभी है स्कूल की बातें बताने का टाइम है ना उन्हू? हाँ। तो अपनी स्कूल की बातें बताएगा। ये बस टीवी देखने आते हैं यहाँ पे टीवी। हाँ सो अभी मैं कह रहा हूँ आपको अपनी स्कूल की बातें बतानी है मेरे को। सो स्कूल में तो भाई सबसे पहले ये हुआ था कि है ना, तो मैं स्टार्टिंग से लेके अंत तक आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले हम जल्द से उठे तैयार हुए, उसके बाद वैन आई थोड़ी सी लेट, मतलब हम स्कूल में जाने में लेट नहीं हुए लेकिन मुझसे पहले भी कई सारे लोग आ गए, मेरे क्लास के क्लासमेट है ना वो आ गए। फिर मम्मी ने सारे टीचर से पूछा कुछ से कि फिफ्थ का उसका लाइन कहाँ पे लगेगा असेंबली के लिए, तो हमें पता चल गया मैं लग गया था वहाँ पे। मैंने देख ली है ना, टीचर कुछ और बता रहे थे, मैंने उससे पहले मैंने देख ली। वो देखो इलेक्सा इलेक्सा कर रही है मामा दस का ना म्यूजिक से असीस कौर रेणुका पवार का गाना 52 गज का दमन हिंदी गज का दमन। सो अच्छा वॉल्यूम 3 कर रहे हैं। अलेक्सा वॉल्यूम 6। मेरी शर्त जो मन उसके वॉल्यूम 6 वॉल्यूम 6 वॉल्यूम 6 फ्रेंड्स अभी दोनों लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे वॉल्यूम के ऊपर। फुल बस्ती में है।
बहुत मस्ती होगी। मैं अब अपना पहले बात तो पूरा कर दूँ। हाँ सो मैं कहा था हाँ टीचर्स के है ना उस लाइन। सो लाइन के बाद हुआ कि हम फिर अपनी क्लास में गए, असेंबली ख़त्म हो गई, प्रेयर वगैरह हो गई सारी। मतलब असेंबली हुई नहीं थी एक तरह से। मैंने कहा कि पेरेंट्स कृपया चले जाए और गेट आज लेट खुल गए, बस यही बातें हुई और फिर चली गई। हम फिर हम अपनी क्लास में चले गए। सो केशव सर हमारे नए क्लास टीचर थे ना, केशव सोन सर। सो हम फिर उनके साथ चले गए। हमें अभी पता चला है, पहले तो पता ही नहीं था जब हम ना, तो उनके साथ चले गए और क्लास में। उसके बाद हुआ अपना अटेंडेंस, उसके बाद हाँ उसके बाद हो गई इंग्लिश। इंग्लिश के बाद एकदम फ्री रहे दो पीरियड, मेरा दो पीरियड पूरे फ्री रहे हमारे। उसके बाद तीसरा पीरियड में इंग्लिश की आई है ना, उसके बाद दोबारा सारे पीरियड फ्री रहे। उसके बाद आखिरी में 11 बजे से 12 बजे तक या उससे लेट बाई टाइम के एकदम उसे ना हम फिर हमारा वो जो लाइव प्रोग्राम था वो हमें दिखाया गया, जहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्पीच कर रहे थे है ना, सो दिखाया गया। फिर हम यही था स्कूल, लेकिन मस्ती बहुत करती है। जो पीरियड्स खालते ना, उन्होंने मस्ती तो खूब भर रखी थी यार, कुछ सोच नहीं सकता है इतनी मस्ती थी। सो ये थे मेरे आज के स्कूल का वो रूटीन। सो मेरे को होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कल आने वाले 9 दिनों के व्लॉग देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आप जानती है कल से क्या स्टार्ट है, नवरात्रि। सो जय माता दी। सो ना मेरे ये हमने भी बोला जा माता के। सो आने वाले मेरे जितने भी ब्लॉग्स हैं वो आप देखते रहिएगा। प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिएगा और प्यार प्यार कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहूँ। और जो भी मेरे नए व्यूअर है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग तो देखना ही है।